नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में। बात करते हैं हम लोग मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में वन संपदा के बारे में। मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र का वन क्षेत्र 94,690 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में राज्य के कुल क्षेत्रफल का 30.72% है। देश के वन क्षेत्र में मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र का प्रतिशत है 11.23%। मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र है 0.16 वर्ग किलोमीटर। राष्ट्रीय औसत है 0.07। मध्य प्रदेश वन प्रशासन की बात करते हैं तो वन विरत हैं मध्य प्रदेश में 16, वन मंडल हैं 62, उपवन मंडल हैं 473, परिक्षेत्र हैं 1871, 1871। परिक्षेत्र सहायक वन हैं 8,286। मध्य प्रदेश में सर्वोच्च वन अधिकारी है प्रधान मुख्य वन संरक्षक। बात करते हैं हम लोग वन विरत के बारे में। वन विरत पुनर्गठित मध्य प्रदेश में 16 वन विरत हैं। वन विरत का प्रमुख अधिकारी वन संरक्षण होता है। खंडवा वन विरत यह सबसे बड़ा वन विरत है। याद रखिए खंडवा वन विरत यह सबसे बड़ा वन विरत है जिसके अंतर्गत कुल 9,290.74 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्रफल है। तीसरा सर्वाधिक वन वृत्त है खंडवा जबलपुर रीवा। तीन सर्वाधिक बड़े वन वृत्त हैं खंडवा पहले स्थान पर, जबलपुर दूसरे और रीवा तीसरे। तीन सबसे छोटे वन वृत्तों की बात करें तो होशंगाबाद इंदौर बैतूल हैं। सर्वाधिक आरक्षित वन वाला वृत्त है खंडवा। सर्वाधिक संरक्षित वन वाला वृत्त है छतरपुर। अब बात करते हैं आगे हम वन मंडल के बारे में, वन डिवीजन के बारे में। ठीक है वन मंडल वन वृत्त पुनः वन मंडलों में विभक्त किए जाते हैं। मध्य प्रदेश में 62 वन मंडल हैं। एक वन मंडल में दो या अधिक वन मंडल होते हैं। एक वन वृत्त में दो या अधिक वन मंडल होते हैं। इसका मतलब हुआ दो या अधिक वन मंडलों से बनकर एक वन वृत्त बनता है। इसका प्रमुख अधिकारी होता है वन मंडलाधिकारी। सर्वाधिक बड़ा वन मंडल मंडला जबलपुर वृत्त का होगा भाग है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन आवरण वाले जिले हैं बालाघाट, उसके बाद रीवा और छिंदवाड़ा। ठीक है मध्य प्रदेश में न्यूनतम वन आवरण वाले जिले हैं उज्जैन, शाजापुर और भिंड। अब बात करते हैं वन वर्गीकरण के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट। वनों का भौगोलिक वर्गीकरण उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, औसत वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर इलाकों में उपलब्ध होते हैं वन। इसमें सागौन शीशम नीम पीपल आदि वृक्ष आते हैं। ऐसे वन सागर जबलपुर छिंदवाड़ा दमोह छतरपुर पन्ना सिवनी होशंगाबाद में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन औसत वर्षा इस क्षेत्र में 100 से 150 सेंटीमीटर इलाकों में है। यहाँ के मुख्य वृक्ष हैं साल सागौन बांस बीजा धौर्रा कसाई तिनसा जामुन महुआ सेजा हर्रा। ठीक है आगे बात करते हैं हम लोग उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन ए अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले क्षेत्र में
क्षेत्र हैं 25 से 75 सेंटीमीटर। इस क्षेत्र में बबूल, कोकर, हर्रा, पलास, तेंदू, धोर्रा, शीशम, हल्दू, सागौन, शीशम आदि वृक्ष पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण। वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण, संरक्षित वन यह कुल वनों का 33% हैं। ये वन जिन पर शासन का पूर्ण नियंत्रण रहता है, इसमें पशु चराना, लकड़ी काटना पूर्णतः निषिद्ध है। आरक्षित वनों एक कुल वनों के 65% हैं। लाइसेंस के तहत इनमें लकड़ी कटाई होती है। अवर्गीकृत वन तो ये बेहद कम मात्र 2% हैं, 2% हैं। पशु चारण एवं लकड़ी कटाई की जा सकती है इनमें। अब बात करते हैं विभिन्न वन। विभिन्न वन तो सबसे पहले बात करते हैं सागौन। इसका बॉटनिकल नाम है टेक्टो निगेंडाई, टेक्टोन निगेंडाई। राज्य के मध्य क्षेत्र में अधिकांशता केंद्रित 17.8% भाग पर हैं। प्रमुख क्षेत्र है होशंगाबाद, बोरी घाटी, जबलपुर, बैतूल, सागर, छिदवाड़ा, मंडला। साल वृक्ष इसका बॉटनिकल नाम है सोरिया रोबस्टा। यह क्षेत्र पूर्वी मध्य प्रदेश का है, 16.54% भाग पर है। प्रमुख क्षेत्र है मंडला, बालाघाट, सीधी, शहडोल। फिर है बांस, इसका बॉटनिकल नाम है डेंडोकेलिमस। इसके प्रमुख क्षेत्र हैं बालाघाट, बैतूल, जबलपुर, सिवनी, मंडला, सागर, भोपाल। तेंदुपत्ता अधिकांश तेंदु वृक्ष छत्तीसगढ़ में जाने के बावजूद मध्य प्रदेश उत्तर मध्य पूर्वी जिलों में, राज्य में लगभग 260 बीड़ी कारखाने कार्यरत हैं। प्रमुख क्षेत्र हैं सागर में सर्वाधिक, फिर टीकमगढ़, छतरपुर, भोपाल, जबलपुर, रीवा, सीधी, शहडोल। खैर वृक्ष शिवपुरी और बानमौर मुरैना में कत्था बनाने के एक एक कारखाने हैं। प्रमुख क्षेत्र हैं गुना, शिवपुर, शिवपुरी, जबलपुर, सागर, दमोह, उमरिया, होशंगाबाद आदि। फिर है हर्रा वृक्ष। इसमें हर्रा वृक्ष में यह एक बहु उपयोगी वृक्ष है। हर्रा वृक्ष के फलों में 35-40% टैनिक पाया जाता है। प्रमुख क्षेत्र हैं इसके छिदवाड़ा, जबलपुर, शिवपुर, बालाघाट, शहडोल, बैतूल, पन्ना, सिवनी, मंडला, सतना, होशंगाबाद। हर्रा से सबसे अधिक बालाघाट वन वृत्त में पाया जाता है। फिर है लाख, मध्य प्रदेश में पलास, घोंट, कुसुम, बेर के वृक्षों और अरहर के पौधों से लाख प्राप्त होता है। उमरिया में लाख बनाने का कारखाना है। प्रमुख क्षेत्र हैं छिदवाड़ा, जबलपुर, शिवपुर, बालाघाट, शहडोल, बैतूल, पन्ना, सिवनी, मंडला, सतना, होशंगाबाद। गोंद राज्य में बबूल, कुल्लू, सलाई आदि के वृक्षों से पर्याप्त हैं, जिसमें गोंद निकाला जाता है। अरेबिके गोंद एनोन ईसस लटी भूलिया या बबूल पेड़ से, कुल्लू गोंद कुल्लू पेड़ से, सलाई गोंद सलाई पेड़ से। प्रमुख क्षेत्र हैं इसके झाबुआ, धार, खंडवा, खरगोन, ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना, रतलाम। अब बात करते हैं भिलावा। भिलावा वृक्ष से प्राप्त भिलावा फल भी उपयोगी है। छिदवाड़ा में एक इसका कारखाना है। इसका उपयोग सिहाई, पेंट, औषधि। प्रमुख क्षेत्र हैं इसके पूर्वी जिले। महुआ वृक्ष से प्राप्त महुआ का फल का उपयोग शराब और औषधि दोनों में होता है। यह भी पूर्वी जिलों में विशेष रूप से मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। हम देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख वन संस्थान। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? 1978 में बना था, ये भोपाल में है इसका मुख्यालय। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय कार्यालय 1979 में बना, जबलपुर में। याद रखिए भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है भोपाल में।
भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय कार्यालय है इसका जबलपुर में। वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र बालाघाट में, वन राजिक महाविद्यालय बालाघाट में, वन राजिक महाविद्यालय 1980 में बैतूल में भी है। उष्णकटिबंधीय वन संस्थान जबलपुर में। वनिकी अनुसंधान एवं मानव संसाधन विकास संस्थान केंद्र सरकार द्वारा छिंदवाड़ा में। फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग शिवपुरी में है, गोविंदगढ़, अमरकंठक और लखना दौन। संजीवनी संस्थान वनौषधि रोपण भोपाल में। वन विकाय निगम 1975 में बना भोपाल में ही। मध्य प्रदेश इको पर्यटन विभाग लिमिटेड, तो ये है नियम 2005, ये भोपाल में। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश सरकार की वन संरक्षण योजनाओं के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं पंचवन योजना। 33% से कम वन क्षेत्र वाले जिलों में वृक्षारोपण की योजना थी पंचवन योजना। लोक वानिकी योजना, लोक वानिकी मध्य प्रदेश शासन द्वारा भूमि स्वामियों के निजी स्वामित्व की पड़ती जमीनों पर खड़े वनों के प्रबंधन के लिए अप्रैल 1999 में से प्रारंभ की गई। फिर वनस्पति वन पंचवर्षीय योजना। एक कटनी जिले में एक महत्वाकांक्षी वन वनस्पति वन पंचवर्षीय योजना का क्रियान्वयन का कार्य प्रगति पर है। संजीवनी आयुर्वेद औषधि पौधों के विपणन के लिए संजीवनी आयुर्वेद के नाम से 20 विक्रय केंद्र प्रारंभ हैं। अब बात करते हैं हम लोग वन एवं वन्यजीव संरक्षण के कानून। तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में आया। वन्य संरक्षण अधिनियम 1980 में आया। भारतीय दंड संहिता 1860 के कुछ प्रावधान हैं। भू राजस्व संहिता 1956 के कुछ प्रावधान भी लागू होते हैं। मध्य प्रदेश में पहली वन नीति कब आई? 1952 में। मध्य प्रदेश में नई वन नीति 4 अप्रैल 2005 में आई थी। तो प्रथम वन नीति कब आई? 1952 में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे। वन की पुरस्कारों के बारे में। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार, यह पुरस्कार वन और वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। वृक्षों को बचाने के लिए प्राणोत्सर्ग करने वाले समूह का नेतृत्व करने वाली वीरांगना अमृता देवी के की स्मृति में यह पुरस्कार 1994 में से राजस्थान ने प्रारंभ किया था। अगला है वन प्रहरी पुरस्कार। वनों में अग्नि की रोकथाम, अवैध टन कटान को रोकने, वन्य जीव जंतुओं की सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली संस्थाओं अथवा व्यक्ति विशेष को 2 श्रेणियों में विभक्त यह पुरस्कार राज्य एवं जिला स्तर पर प्रदान किए जाते हैं। फिर है वृक्ष मित्र पुरस्कार। श्रीमती इंदिरा गांधी की स्मृति में भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष उनकी जन्मतिथि 19 नवंबर के अवसर पर इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया जाता है। महावृक्ष पुरस्कार। प्राचीन एवं विशिष्ट प्रजातियों के वृक्षों को पहचान कर सुरक्षित करने के उद्देश्य से वर्ष 1995 में महावृक्ष पुरस्कार योजना की शुरुआत की गई थी। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में बात करते हैं। मध्य प्रदेश में 10 राष्ट्रीय उद्यान, 25 अभयारण्य हैं। ठीक है, जिसमें 6 टाइगर रिजर्व, 2 खरमौर अभयारण्य, 2 सोन चिड़ैया अभयारण्य, 3 घड़ियाल। याद रखिए, अगर करंट में कोई बदला है तो उसके बारे में हम लोग करंट अफेयर्स में बात करेंगे। ठीक है, 10 राष्ट्रीय अभयारण्य, 25 अभयारण्य, जिसमें 6 टाइगर रिजर्व हैं, 2 खरमौर अभयारण्य, 2 सोन चिड़ैया अभयारण्य, 3 घड़ियाल अभयारण्य तथा 2 राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म संरक्षण हेतु। देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य
के अंतर्गत क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। वन्य प्राणी संरक्षण के लिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रशिक्षण की व्यवस्था है यहाँ। तो चलिए देखते हैं हम लोग, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले में है ये, ठीक है। इसका क्षेत्रफल है 940। यहाँ मुख्य प्राणी है बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांभर, ठीक है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मंडला में, याद रखिए मंडला में सबसे बड़ा है। बांधवगढ़ ये कहाँ है? उमरिया में। 437 क्षेत्रफल है इसका, बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांभर इसका। माधव कहाँ है इसका? शिवपुरी में। 337 किलोमीटर तेंदुआ, सांभर, चीतल है इसका, ठीक है। पन्ना, पन्ना कहाँ है? पन्ना में है। यहाँ 543 है इसका क्षेत्रफल। बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांभर, गौर है। संजर सीधी में है, 838 है। बाघ, तेंदुआ, चीतल है यहाँ का मुख्य प्राणी। पैंच की बात करें तो सिवनी में कहाँ है पैंच? सिवनी, छिंदवाड़ा में, दो जिलों में है, याद रखिए पैंच, सिवनी और छिंदवाड़ा। 293 है इसका क्षेत्रफल। बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांभर, गौर है यहाँ की मुख्य प्राणी। सतपुड़ा होशंगाबाद में है, 524 है इसका क्षेत्रफल। बाघ, तेंदुआ, सांभर, चीतल यहाँ का मुख्य प्राणी। वन विहार भोपाल में है, 4.45 है यहाँ का क्षेत्रफल। प्रदेश के सभी वन्य प्राणी हैं इसमें। जीवाश्म की बात करें मंडला में है, 0.27 है इसका क्षेत्रफल। वनस्पति जीवाश्म है यहाँ के मुख्य प्राणी। बाघ की बात करें तो ये धार में 108 है इसका क्षेत्रफल। डायनासोर जीवाश्म है। ओमकारेश्वर खंडवा में है। प्रदेश के सभी वन्य प्राणी हैं। बात कर लेते हैं हम, बता दें आपको, कान्हा मंडला जिला में, बांधवगढ़ उमरिया में, माधवगढ़ शिवपुरी में, पन्ना पन्ना में, संजय सीधी में, पैंच सिवनी छिंदवाड़ा, सतपुड़ा होशंगाबाद, वन विहार भोपाल, जीवाश्म मंडला, बागधार, ओमकारेश्वर खंडवा, यही पूछा जाते हैं कि किस जिले में है, ठीक है, ज़्यादातर तो यही याद रखना। आगे बात करते हैं हम लोग टाइगर प्रोजेक्टों की बात। टाइगर प्रोजेक्ट, विश्व में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता ग्रैनी मैनफोर्ड हैं तथा भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता कैलाश सांखल्या हैं। वर्ष 2014 की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या 308 थी। अब मध्य प्रदेश के स्थान पर कर्नाटक टाइगर स्टेट बन गया था। बाघों की संख्या में दृष्टि से इस प्रकार है, आपको बता दें अभी 2018 में भी रिपोर्ट आई है बाघों की जनगणना से संबंधित, ठीक है। तो इसमें बता दें टोटल बाघ हैं भारत में 2967, कितने 2967, ठीक है टोटल 2014 के मुकाबले 2018 में 30% का इजाफा हुआ है, ठीक है। अब मध्य प्रदेश की बता दें तो मध्य प्रदेश में याद रखिए 2019 में जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से 526 हैं, कितने 526 हैं, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, ठीक है 526। कर्नाटक में है 524, ठीक है, कर्नाटक दूसरे स्थान पर पहुंच गया है, ठीक है। तो याद रखिए कर्नाटक में कितने हैं 524, मध्य प्रदेश में 526 और उत्तराखंड में बता दें आपको उत्तराखंड में है 442, ठीक है। तो याद रखिए मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं। कर्नाटक 2014 के जनगणना में पहले नंबर पर पहुंच गया था, लेकिन अभी 2018 में जो आई है रिपोर्ट उसमें 526 है मध्य प्रदेश में, टोटल हैं 2967, कितने
है टोटल। विश्व के टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत 1997 में प्रदेश के सभी टाइगर प्रोजेक्ट में टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी की स्थापना की गई। टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत लाए गए उद्यानों की संख्या थी 7। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सबसे बड़ा है और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। 1933 में अभयारण्य और 1955 में कान्हा राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना। तो याद रखिए, 1933 में अभयारण्य बना था कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, 1955 में कान्हा राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना था। कृष्णमेघ और बेडरी प्रजाति के बारहसिंगा यहीं पाए जाते हैं कान्हा किसली में। 1974 में से यहाँ टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत पार्क प्रेटेशन योजना लागू हुई। के फारसान ने हाईलैंड ऑफ सेंट्रल इंडिया में हालो घाटी मंडला और ब्रांडे ने वाइल्ड एनिमल इन सेंट्रल इंडिया ने में बंजर घाटी का वर्णन किया गया, जो दोनों ही कान्हा नेशनल पार्क में है। यह पार्क बालाघाट मंडला में फैला हुआ है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ कहाँ है? बालाघाट मंडला में। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग बांधवगढ़। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान टाइगर प्रोजेक्ट है, ये भी शहडोल में 32 पहाड़ियों से घिरा है, जिसे 1964 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया और 1993 से प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। बाघों का घनत्व यहाँ सर्वाधिक घनत्व है, प्रति 8 किलोमीटर में एक बाघ है। यहाँ सफ़ेद शेर पाए जाते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। आगे बात करते हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान विश्व बैंक के साथ अभयारण्य संरक्षण परियोजना में शामिल है। यह छिंदवाड़ा तथा सिवनी जिले में है। 1992 में प्रोजेक्ट टाइगर घोषित किया गया पेंच, जिसका क्षेत्रफल है 293 वर्ग किलोमीटर। यह राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र की सीमा में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान में बाघ, तेंदुआ, चीतल, गौर हिरण, जंगली सुअर आदि वन्य जीव प्राणी पाए जाते हैं। यह मोंगली लैंड है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया और 1995 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया। इसका क्षेत्रफल है 543 वर्ग किलोमीटर। पन्ना अभयारण्य रेप्टाइल्स के लिए संरक्षित है। यह एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ से विमान सेवा उपलब्ध है। इस उद्यान में पंख, बाघ, तेंदुआ, सांभर, गौर, मुंजक, हिरण आदि हैं। फिर बात करते हैं अगला है पन्ना के बाद है हमारा सतपुड़ा। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, यह राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद जिले में है। यह प्रदेश का पांचवा प्रोजेक्ट टाइगर है। 1983 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया जी, और इसका क्षेत्रफल है 545 वर्ग किलोमीटर। इस उद्यान में बाघ, तेंदुआ, मुंजक, हिरण आदि वन्य प्राणी पाए जाते हैं। इस उद्यान में कृष्ण मृगी की संख्या सबसे अधिक है। फिर हमारा संजय राष्ट्रीय उद्यान, यह राष्ट्रीय उद्यान सीधी तथा छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में है। विभाजन के पूर्व यह सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान था, 1938 वर्ग किलोमीटर, लेकिन मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल 831.91 वर्ग किलोमीटर है। 1981 में से राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। इस टाइगर रिजर्व में केंद्र सरकार ने 2006 में प्रदेश का छठवां प्रोजेक्ट टाइगर घोषित किया। इसका पुराना नाम है डोगरी अभयारण्य। अगला हमारा रातापानी राष्ट्रीय उद्यान रायसेन जिले में स्थित है। 2012 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग मध्य प्रदेश में अभयारण्य प्रस्तावित कौन कौन से हैं। कालीभीत,
ये बैतूल जिले में है, याद रखिए प्रस्तावित है। राष्ट्रीय ये अभ्यारण्य है। कालीभीत कहाँ है? बैतूल में। सुरमैनिया ये कहाँ है? खंडवा में। इसका क्षेत्रफल है 178.21 वर्ग किलोमीटर। मांदाता ये 69.24 किलोमीटर है, खंडवा में। कठीवाड़ा मयूर ये है अलीराजपुर में, ठीक है, 90 वर्ग किलोमीटर। तो ठीक है, कालीभीत कहाँ है? बैतूल में। सुरमैनिया कहाँ है? खंडवा में। मंदाता कहाँ है? खंडवा में। कठीवाड़ा मयूर कहाँ है? अलीराजपुर में, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान प्रस्तावित जो है, ठीक है। पन्ना, पन्ना जिला में राज्य के सभी मुख्य वन्य प्राणी एवं रेंगने वाले प्राणी जंगली भैंसा के लिए मुख्यतः ये प्रसिद्ध है। ओकारेश्वर ये खंडवा में राज्य के सभी मुख्य प्राणी वन्य प्राणी हैं। डायनासोर जीवाश्म ये धार में, डायनासोर के जीवाश्म है। बात करते हैं विशेष पशु पक्षी हेतु अभयारण्य, तो सबसे पहले बात करते हैं चंबल अभयारण्य मुरैना, घड़ियाल पक्षी मगर के लिए है संरक्षित। सोन नदी अभयारण्य शहडोल में है, घड़ियाल मगर के लिए ये भी प्रसिद्ध है। कैन नदी अभयारण्य छतरपुर में है, घड़ियाल मगर के लिए। सैलाना अभयारण्य रतलाम में है, दूधराज के लिए संरक्षित है। सरदारपुर अभयारण्य धार में खरमौर पक्षी के लिए, दूधराज के लिए भी है। घाटीगांव अभयारण्य ग्वालियर ये सोन चिड़िया के लिए है। करैरा अभयारण्य ये सोन चिड़ैया के लिए है। नौरादेही अभयारण्य नीलगाय के लिए। गांधी सागर मंदसौर नीलगाय के लिए, ठीक है। अब मध्य प्रदेश में जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्रों की बात करें तो पचमढ़ी क्षेत्र जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र और अमरकंटक अचानक मार्ग जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र हैं दो, ठीक है। मध्य प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण संस्थानों की बात करें तो पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन इफको 5 जून 1981 में स्थापना हुई, भोपाल में है इसका मुख्यालय। पर्यावरण संबंधी शोध शिक्षण प्रशिक्षण नगर वानिकी द्वार प्रदूषण पर रोक लगाना इसका कार्य है। फिर है आपदा प्रबंधन संस्थान, इसकी स्थापना हुई 19 नवंबर 1987 में, भोपाल में इसका मुख्यालय। प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाएं संगठित के दुष्प्रभावों को कम करना इनका मुख्य कार्य है। मध्य प्रदेश प्रदूषण बोर्ड नियंत्रण बोर्ड 1974 में, इसका मुख्यालय भोपाल में। विभिन्न तरह के प्रदूषण को नियंत्रित करना है इनका मुख्य कार्य। अब बात करते हैं हम लोग आगे देखते हैं। माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, यह राष्ट्रीय उद्यान आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर प्रदेश के शिवपुरी जिले में है। माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान यह वनीय सघनता एवं पक्की सड़कों के लिए विख्यात है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1958 में की गई। इस उद्यान में जॉर्ज कैसल किला है। यहाँ शेर, चीता, तेंदुआ, हिरण, सांवर, नीलगाय, चिंकारा, चीतल, जंगली सुअर आदि वन्य प्राणी पाए जाते हैं। इसमें सांख्य सागर झील भी है माधवगढ़। फिर हमारा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी में। इसका क्षेत्रफल है 0.27 वर्ग किलोमीटर। यहाँ वनस्पति तथा जीवाश्म को संरक्षित किया गया। यह भारत के 4 जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान में से एक है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान याद रखना। फिर है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, यह झीलों के रमणीय स्थल भोपाल में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह मध्य प्रदेश का दूसरा छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका क्षेत्रफल है 4.45 वर्ग किलोमीटर और इसमें मध्य प्रदेश के सभी प्राणी पाए जाते हैं। यह वर्ष 1979 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, यह राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में प्रस्तावित है। यह राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा भारत सरकार द्वारा की जा चुकी है। अब महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। कालीभीत बैतूल में, मांदाता खंडवा एवं सुरमैनिया खंडवा प्रस्तावित हैं, ये भी देख चुके हम लोग।
रामसर समझौता के अनुसार देश की 25 आर्द्रभूमियों में से एक मध्य प्रदेश का भोज स्थल 3201 हेक्टर भोपाल में गिरवन के सिंहों के संरक्षण हेतु पालकोनी शिवपुर में एक अभ्यारण्य स्थापित किया गया था। गुजरात द्वारा सिंहों को देने से इनकार कर दिया गया। अब अफ्रीकन सिंहों को लाने की योजना है इसमें। भारतीय पक्षियों में सबसे छोटा पक्षी फूल चूकी मध्य प्रदेश में बहुत देखा जाता है। थिक्का पक्षी पपीहा जैसा दिखने वाला शिकारी पक्षी यह मध्य प्रदेश में सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है। बांस उत्पादन को मापने की इकाई नेशनल टन है। सर्वाधिक वन प्रतिशत मंडला जिले में और मंडला वन वृत्त में है। सबसे कम वन है शाजापुर वन वृत्त में। मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य है जिसमें वनों का पूर्णतः राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना 1976 में शुरू की गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं, आगे देखते हैं। मंडला, पन्ना, बालाघाट, खंडवा, बैतूल, सीरी और होशंगाबाद जिले की आदि भूमि वनाच्छादित है। याद रखना, आदि भूमि में वन है। कहाँ? मंडला, पन्ना, बालाघाट, खंडवा, बैतूल, सीधी, होशंगाबाद जिलों में। उत्तर पश्चिमी में मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से कटीले वन पाए जाते हैं शिवपुरी वन वृत्त में। सर्वाधिक बांस वृक्ष मध्य प्रदेश में पाया जाता है। सामाजिक वन की योजना के एक कार्यक्रम के रूप में पंचवन योजना 1976 में शुरू की गई थी। राज्य के 33% से कम वन वाले क्षेत्रों में पंचवन योजना लागू है। वन क्षेत्र पालो रेंजर का प्रशिक्षण केंद्र बालाघाट में है। वन पाल और वन रक्षक प्रशिक्षण के लिए तीन विद्यालय हैं अमरकंटक, सिवनी, लखनादौन में। सोन चिड़िया माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में पाई जाती है। 1 नवंबर 1981 को वारह सिंह को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया मध्य प्रदेश का। 1 नवंबर 1981 को आगे बात करते हैं। तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1964 में। बांस का राष्ट्रीयकरण 1973 में। साल बीज का राष्ट्रीयकरण 1975 में। तेंदुपत्ता का कब हुआ? 1964। बांस का कब हुआ? 1973 में। साल वृक्ष का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? बीज का 1975 में। राज्य के ग्वालियर वन वृत्त से न्यूनतम राजस्व प्राप्त होता है। राज्य के वन क्षेत्र की प्रति वर्ग किलोमीटर से मिलने वाला राजस्व सर्वाधिक है होशंगाबाद वन वृत्त का। इमारती लकड़ी सर्वाधिक जबलपुर वन वृत्त से प्राप्त होती है। खंडवा वन वृत्त में लकड़ी की कटाई पर प्रतिबंध लगा हुआ है। देश में तेंदुपत्ते का सर्वाधिक संग्रहण मध्य प्रदेश में होता है। राज्य के वनों में सर्वाधिक पाया जाने वाला वन वृक्ष सागौन है। गिरवन के सिंहों के लिए पालकुनो शिवपुर में अभयारण्य स्थापित है। अब बात कर लेते हैं हम लोग वन्य जीव अभयारण्यों के बारे में। बगदरा सीधी में है, इसका क्षेत्रफल 279 वर्ग किलोमीटर है। काला हिरण, तेंदुआ, नीलगाय यहाँ पाए जाते हैं। बोरी है होशंगाबाद में, 518 है इसका क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में बात कर रहे हैं। ठीक है, शेर तेंदुआ चीतल है यहाँ का। फैन मंडला में है, 110.74 क्षेत्रफल है इसका। शेर तेंदुआ चीतल सांभर है यहाँ के। गांधी सागर मंदसौर में है, 224.65 है इसका वर्ग क्षेत्रफल। राजस्थान सहित इसका 368.62 है इसका क्षेत्रफल। नीलगाय चिंकारा तेंदुआ है। घाटी गांव ग्वालियर में 512 है इसका क्षेत्रफल। सोन चिड़िया काला हिरण पाया जाता है। करेरा शिवपुरी में है, 202.21 क्षेत्रफल है इसका। सोन चिड़िया काला हिरण पाया जाता है। कैन छतरपुर में है, 45 है इसका क्षेत्रफल, 45 वर्ग किलोमीटर। घड़ियाल और मगर यहाँ संरक्षित हैं, प्राणी है मुख्य। सिवनी देवास सिहोर में 187.70। तेंदुआ साबर चीतल पाए जाते हैं। राष्ट्रीय चंबल मुरैना में सबसे बड़ा है, 3902 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। घड़ियाल मगरमच्छ और कछुआ डॉल्फिन यहाँ के हैं। नौरादेही सबसे बड़ा ये भी सागर में,
1,034.52 वर्ग किलोमीटर है। नीलगाय, काला हिरण, चीतल जंगली कुत्ता के लिए है। पचमढ़ी होशंगाबाद में 461.85 है इसका क्षेत्रफल। शेर, तेंदुआ, चीतल, चिंकारा, सावर, नीलगाय, चौसेंगा भालू के लिए प्रसिद्ध है। होशंगाबाद देख लिया। पचमढ़ी पनपथा शहडोल में है, 245.84 है। यहाँ के मुख्य प्राणी हैं शेर, तेंदुआ, चीतल, चिंगारा, सावर, नीलगाय, चौसिंगा, भालू। पालपुर शिवपुर में 345 है इसका क्षेत्रफल। शेर, तेंदुआ, चीतल, चिंकारा, काला हिरण, सावर, नीलगाय। पैंच सिवनी छिंदवाड़ा में 449.39 वर्ग किलोमीटर है। शेर, तेंदुआ, चीतल, गौर, सांभर है यहाँ। रातापानी रायसेन में 530.36 वर्ग किलोमीटर है। तेंदुआ, सांभर, चीतल, नीलगाय, चिंकारा यहाँ पाया जाता है। संजर सीधी में 364.59 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। शेर, तेंदुआ, सांभर, चीतल, नीलगाय, पिदुवरी, चिंकारा है यहाँ की। सिंधोरी रायसेन में 287.91 वर्ग किलोमीटर। शेर, तेंदुआ, चीतल, सांभर, चिंकारा है। सोन ये सीधी शहडोल में 209 है इसका क्षेत्रफल। घड़ियाल, मगरमच्छ, कछुआ के लिए। सरदारपुर धार में है 348.12 वर्ग किलोमीटर। खरमौर दूधराज राजकीय पक्षी है एमपी का, याद रखना दूधराज का संरक्षण है। सैलाना सबसे छोटा है रतलाम में 12.96 वर्ग किलोमीटर। खरमौर यहाँ का मुख्य प्राणी है। राला मंडल सबसे छोटा है इंदौर में, 234.55। शेर, तेंदुआ, चीतल, चिंकारा है यहाँ का। ओरछा टीकमगढ़ में 45 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। और चीतल नीलगाय यहाँ मुख्य पाए जाते हैं। नरसिंहगढ़ राजगढ़ 57.19 है यहाँ का क्षेत्रफल। तेंदुआ, चीतल, सांवर, गौर, धुनर, धुवर, धनेरा है। रानी दुर्गावती जबलपुर में 267.67 तेंदुआ, चीतल। गंगरू पन्ना में है 89 वर्ग किलोमीटर। आगे बात करते हैं, क्योनी देवास में सीहोर में 122.7% 122.7 वर्ग किलोमीटर। कूनो पालपुर ये सीहोर में 344.68 वर्ग किलोमीटर। मंदाता आकारिसो में खंडवा में, सुरमानिया ये खंडवा में, कालीवीत कालीमीत बैतूल में, ठीक है। तो ये थे हमारे वन संपदा से संबंधित। अब अगले लेक्चर में बात करेंगे हम लोग खनिज संपदा, ठीक है, मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में।